आपको एक बहुत सी प्यारी चीज दिखाने वाली हूं। हमारे रूफ गार्डन में देखो कौन से दो नन्हे मेहमान आए हैं। जो कि बहुत ही नन्हे हैं और ये इसलिए रख दिया है ताकि इस पे धूप ना लगे और जब यहाँ पर बारिश होती है तो पानी भी अंदर ना जाए। तो चलो आपको दिखाती हूँ। बहुत ही छोटे हैं। होपफुली आपको दिख गए होंगे। जी हाँ, एक चिड़िया ने यहाँ पर 3 अंडे रखे थे जिसमें से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं और एक अभी भी नहीं आया है। अभी बहुत ही छोटे हैं ये, कल शाम को निकले हैं तो अभी बहुत ही छोटे हैं। इनकी माँ शायद कुछ खाने के लिए लेने गई है इनके लिए। मैं भी अभी ये क्या खाते होंगे ये तो चिड़िया को ही पता होगा, या आप में से कुछ लोगों को पता हो। ये देखिए सब एक दूसरे के ऊपर। ओ जो मैंने आपको बोला था कि 2 ही निकले हैं तो रात तक 2 निकले थे, अब 3 निकल आए हैं आप देख सकते हो। कितने क्यूट है, बहुत ही छोटे हैं, इनको टच बिल्कुल नहीं कर सकते। इनके लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं, जैसे इसकी माँ के लिए यहाँ पे दाने डाल देते हैं और ऑलरेडी यहाँ पानी रखा हुआ है ऊपर। तो अभी तो नहीं दिख रही है माँ, कहीं गई हुई है, देखो ना। बीच बीच में एक ऊपर वाला जो है ये अपनी चोंच खोलता है, इसको लगता होगा शायद कि माँ कुछ आई है या फिर जो भी हो, ये चोंच खोलता है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए खोल रहा है। तो यही दिखाना था मुझे, ये मेरी रूफ गार्डन में कुछ दिन पहले। ये वाला पॉट मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप के फ्लावर हैं, आप देख सकते हो, पिंक है, वाइट है, मिक्स पिंक है और ऑरेंज भी है। ये आंवले का पेड़ है, जिसको नहीं पता है बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो ये अभी गमले में लगाया गया है पर अब इसको ज़मीन में लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। चटनी के लिए फ्रेश पुदीना भी यहीं से यूज़ करते हैं। ये बैगन का है, हालांकि काफ़ी सब्जियां थी पर अब खाली हो चुका है तो यहाँ पर नए प्लांट लगाए जाएंगे। बहुत ही तेज़ धूप है, इससे लग रहा है आज बहुत गर्मी होने वाली है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।